अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। साथियों, आलमी मरकज़ की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाही बयानात को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि जो बैरूनी जमातें अपने मुल्कों के लिए रवाना हुई हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि कहाँ से कितने साथी और कौन सी स्टेट की जमात कहाँ से रवाना हुई है। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान जो रवाना हुए हैं, वो 84 मेहमान बांग्लादेश कोलकाता हजाउस से अपने मुल्क रवाना हुए, और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूएसए के मेहमान दिल्ली के लिए रवाना जल्द अपने मुल्क वापसी। साथ ही ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है, उसे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, और एक छोटी सी वीडियो भी है, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बाद में। दूसरी है, मेहमान जो इलाहाबाद में है बेल ऑर्डर, 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के साथी। तीसरी खबर यह है कि बेंगलोर से इंडोनेशिया और किर्गिस्तान के मेहमान जल्द अपने मुल्क वापसी, केस ख़त्म हुआ। साथियों, चौथी खबर यह है, चेन्नई से थाईलैंड के मेहमान पहली जमात आज अपने मुल्क रवाना वापसी हो गई। और पांचवी खबर साथियों ये है, किर्गिस्तान के 64 मेहमान और 4 मस्कुरात दिल्ली से आज अपने मुल्क के लिए रवाना। जामिया ऑफिस दिल्ली सेंटर से इंडोनेशिया के 90 मेहमान अभी अपने मुल्क रवाना, और वेस्ट बंगाल से 19 बांग्लादेशी मेहमान, जिनमें मस्कुरात भी हैं, अपने मुल्क बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट जो हमने आपको दी। साथियों, ये शायद कल या परसों की अपडेट है जो हम आपको आज दे रहे हैं, तो आप हजरात इन साथियों के लिए दुआ भी करें, ये सही सालिम सही सलामत अपने मुल्क, अपने वतन और अपनों में पहुंच जाए इंशाल्लाह। और साथियों, जो इनके पीछे और मेहमान रह गए हैं, उनके लिए भी दुआ करें कि इंशाल्लाह वो भी खैर वाफियत से अपने मुल्क, अपने वतन पहुंच जाए इंशाल्लाह। और साथियों, एक जो छोटी सी क्लिप है, आइए वो आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की नई अपडेट। साथियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, उसके बारे में आप हमें कमेंट उसमें कमेंट करें, और जो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और साथियों, ऐसी कोई वीडियोस वगैरह या ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। तो साथियों, व्हाट्सएप नंबर हम आपको इसमें दे ही देंगे। और साथियों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और कोई नई अपडेट लेकर। जब तक आप हजरात दुआ में याद रखना इंशाल्लाह, और जो है पूरे आलम के लिए दुआ करना इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो इस बीमारी को, इस वबा को जल्द से जल्द दूर कर दे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।